का नोटिफिकेशन 900 प्लस वैकेंसी आउट हो चुका, आप लोगों को पता है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रीजनिंग में अगर 50 में 50 मार्क्स लाना चाहते हो ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि टॉपर के साथ बात करूँगा। CPWT में उनका सिलेक्शन हुआ है, पिछली बार 36 आया था, इस बार 50 मार्क्स है। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग में कैसे मार्क्स लाना। एक रीजनिंग ऐसा होता है कि आपके रैंक को बूस्ट करता है, आपको सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा फायदा करता है। जी सर, तो सर मेरे कितने? पिछली बार रीजनिंग में 35 नंबर थे, और सर वो उसका यही रीजन 35 नंबर थे सर मेरे ओके पिछली ओके बार, बात ओके ओके हाँ कर रहा हूँ सर। उसका ये मेन रीजन ये था कि सर मैंने जो आपने बताई ना सर बात की ओवर कॉन्फिडेंस, कि रीजनिंग में तो नंबर आ ही जाएंगे, हाँ ये और चीज थोड़ा सा सर नेग्लिजेंस करा जीके में भी, सर इसी तरह का नेग्लिजेंस था। जीके में भी मेरे शायद 11 या 12 नंबर थे सर, ऐसा कुछ था, तो ये सीन था। लेकिन सर इस बार मैंने जी क्या किया कि सर जैसे टेस्ट लगाता था मैं लगा, SSC JEE 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 900 प्लस वैकेंसी, जिसका एग्जाम 5, 6, 7 जून को होने वाला है। IPW एक शानदार और ज़बरदस्त बहुत सारे बैचेज लॉन्च हुए, जो अपने एग्जाम के लिए बूस्ट करने के लिए बेहतरीन मौका है। तो जैसे कि SSC JEE 2024 फाउंडेशन बैच, जिसमें 2499 रुपये में मिल जाएगा। SSC JEE स्टूडेंट कोड यूज करना है, DPK 200 और 200 का ऑफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद SSC JEE 2024 अभ्यास बैच, जिसमें 999 रुपये में मिल जाएगा, टारगेटेड कोर्स ऑफ SSC JEE एस्पिरेंट। उसके बाद बात की अशोका 2.0 बैच, जिसमें AEJEE फॉर ऑल AEJEE एग्ज़ाम के लिए जो 2999 रुपये में मिल जाएगा, कोड यूज करना है कूपन कोड DPK200 रुपीज़। उसके कर्तव्य बैच, जो 2 साल वैलिडिटी कोर्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, डिप्लोमा में है, बीटेक में है, अगर चाहते हैं अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई ये 3999 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा, कोड यूज करना है DPK200। उसके बाद UP SSSC JEE, पता है कि 4000+ बैच है, ये फाउंडेशन बैच आपको 1999 रुपये में मिलने वाला है। उसके बाद RRBJEE एक्सप्रेस 2.0 बैच, जिसमें 2499 रुपये में है, फॉर ऑल RRBJEE एस्पिरेंट के लिए कोड यूज करना है DPK200। उसके बाद RRBALP 2024 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन CBT1 एंड CBT2 के लिए है, आपको मिल जाएगा ये 999 रुपये में, कंप्लीट बैच विद द टेस्टेड ITI BTech डिप्लोमा एस्पिरेंट। फतेह बैच की बात की जाए, फतेह बैच SSC JEE CBT1 एंड CBT2 के लिए है, 2499 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात किया जाए चाणक्या AEJEE BOD यानी वीडियो रिकॉर्डेड बैच, 1999 रुपये में, रिकॉर्डेड कोर्सेज फॉर ऑल AEJEE एग्जाम फॉर इंडिया के टॉप फैकल्टी। AEJEE खजाना जो आपको 1499 रुपये मिल जाए, गेट एक्स 300+ वीडियो, UG फ्रेंडली इंटरेस्टिंग, लर्न ऑफ योर फेवरेट फैकल्टीज एंड कॉस्ट इफेक्टिव एड ऑन। उसके बाद बैच ऑफरिंग, जो है बैच ऑफरिंग करेगा SSC JEE RRBJEE DDE NHPC UPSL जितने सारे एग्जाम है, उसमें बेस ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर इन हाई लेंग क्लास नोट DPPA, ये चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, लाइव लेक्चर, इंडियन फैकल्टी डाउट इंजन, ये सारी चीज़ें आपको इस बैचेज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद AEJEE खजाना जो है आल्सो भी अब PW गिविंग द AEJEE खजाना विद द बैचेज जस्ट RS 1499 विद द गेट फीचर्स रिकॉर्डेड लेक्चर बाई इंडियन बेस्ट फैकल्टी PW अपलिकेशन DPPA एंड DPPA सोल्यूशन। कोड यूज करना है DPK200, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कोर्सेज को अपने बाय कीजिए। थैंक यू। सर इस बार मैंने जी क्या किया कि सर जैसे टेस्ट लगाता था मैं लगातार, तो टेस्ट के अंदर हर 50 क्वेश्चन जो आते थे रीजनिंग के वो मैं करता था, कि आप वो 50 50 भी कर रहे हो तो सर बहुत क्वेश्चन हो आते हैं, हर हर दिन 50 क्वेश्चन लगा रहे हो सर, तो मतलब वही आपकी प्रैक्टिस कर देगा, लेकिन सर वो कंटिन्यूटी आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे सर। तो उसका रिजल्ट ये इस बार मेरे रीजनिंग में 49 नंबर है सर 50 में सर, तो ये सर ये चेंज है पिछली बार और इस बार में सर, सबसे बड़ा चेंज यही है। जीके में सर मेरे 21 नंबर है इस बार, आप स्पीड ये कैसे सबसे मैनेज बड़ा। किए? स्पीड ही जो होती है, क्योंकि SSC JEE का बहुत स्पीड मायने रखता है, क्योंकि स्पीड अगर नहीं करते हो तो लास्ट में जाते समय लोगों का 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि क्वेश्चन, तो स्पीड कैसे आपने किया? स्पीड बहुत मैटर करता है SSC के एग्जाम में। सर इसके सर दो रीजन है, मतलब मेरे को लगता है, एक तो बाय गॉड ग्रेस सर क्योंकि मैंने IIT के टाइम तैयारी करी थी सर, तो एक बेस मेरा स्ट्रॉन्ग था सर कैलकुलेशंस वगैरह को लेके, तो सर ये एक हमेशा एक अच्छे कॉलेज वाले स्टूडेंट को हमेशा ये एज रहेगा सर, मतलब ये यस कोई वो नहीं है सर इस दो रहा है इसका, सर इसका ये मतलब नहीं है सर कि अच्छे कॉलेज की वजह से उसको एज मिल रहा है, नहीं सर ये एज उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसे 12th के टाइम उस टाइम वो मेहनत करी थी सर, तो वो यस कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग, तो सर ये एक तो मेरे को, मैंने जब अपने दोस्तों वगैरह से बात करता हूँ तो सर मुझे ये दिखता है कि सर उनको सर थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्पीड के अंदर, क्योंकि वो कैलकुलेशन में थोड़े कमजोर होते हैं सर। लेकिन सर इसको ओवरकम करने का एक तरीका है सर जो मुझे लगा, कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा,
क्वेश्चन लगाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए। मतलब लोग भी तरीके, दो तरीके होते हैं सर प्रैक्टिस करने के। एक तरीका होता है कि आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर जब अपन बुक से क्वेश्चन करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि सिर्फ मतलब कि टाइम तो देखते नहीं है, बस हाँ लगाया यस 1 घंटा दे रहे हैं क्वेश्चन, आधे घंटा दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो सर अपन को फॉल्स सेटिस्फेक्शन आता है कि यार हमने तो क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सर टाइम नहीं देख रहे आप। मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो सर मैं हमेशा टेस्ट की फॉर्म में ही प्रैक्टिस करता था, चाहे कभी प्रैक्टिस करी हो, मैंने बुक के फॉर्म में कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वो मेरी स्पीड भी इतना बढ़ा देता था। और सर एक इंग्लिश मीडियम के एक बेनिफिट भी रहता है सर कि इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं तो सर थोड़ा सा वो पढ़ने में चीज सर तो है, थोड़ा, वो चीज है। तो जो लेकिन जैसे सर कि ये बहुत सारे स्टूडेंट का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो बहुत सारे अच्छे